अभी जो मैं खड़ा हूँ वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में खड़ा हूँ। काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत मौसम है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो है कभी भी आपको मतलब गर्मी का एहसास कभी नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत सीन है और हरी हरी भी है। आप लोग पहाड़ देख सकते हैं क्योंकि ये जो है आप लोग ये जो घर देख रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा मैं फोकस करने के लिए, ये जो आप घर देख रहे हैं यहाँ पर कभी भी आप लोगों का 10-15 घर एक जगह पर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चार वहाँ घर मिलेगा, पांच वहाँ घर मिलेगा, दो वहाँ घर मिलेगा, ऐसे ही अलग अलग जगहों पर घर मिलता है। और ये जो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टीन लगा हुआ है, ये टीन लगाने का मजबूरी और मकसद ये है कि जो ठंडी का जो मौसम होता है यहाँ पर बर्फ काफ़ी ज़्यादा ही गिरता है, तो बर्फ उस जो फ्लैट रहता है ना बरोबर छत रहता है उस पर जम जाता है, जम के घर में टपकने लगता है और पानी घर पर आ जाता है। और वो जो है क्योंकि वो जो पतरा जो लगाया गया है क्योंकि उस पर जो बर्फ गिरता है वो बर्फ जो है साइड में छाल जाता है क्योंकि वो गिर जाता है, तुरंत कट के गिर जाता है क्योंकि उस पर रुकता नहीं है। इसी की वजह से ये जो है ये घर पर वो जो टीन है लगाया जाता है। और ये दो चार घर अलग अलग इस तरह यहाँ दिख रहा है क्योंकि एक जगह पर बरोबर ज़मीन आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ के जो मौसम है काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत मौसम है, क्योंकि हमारे तरफ चले जाइएगा तो ठंडी तो ठंडी है क्योंकि अभी इस समय बारिश भी नहीं होता क्योंकि धान की जो फसल है काफ़ी ख़राब हो चुका है और जो अभी इतना काफ़ी गर्म हो रहा है कि पूछिए मत। इसी के घूमने के लिए मैं बिहार से मैं हिमाचल प्रदेश आया हूँ। काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत दिख रहे हैं, आप भी पहाड़ पर कितना हरियाली पूरा लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी ठंडा मौसम भी है। और जो है एप्पल भी है यहाँ, एप्पल भी काफ़ी होता है क्योंकि मैं एप्पल का वीडियो डाला भी हूँ। हम लोग जो है खास जगह पर है, मतलब जो है अभी नॉर्मली जो जगह है क्योंकि घूमने के लिए जो है अभी मैं शाम का टाइम हो गया है क्योंकि 6 से पार हो चुका है इसीलिए ऐसा मौसम हो चुका है, क्योंकि नहीं तो ये पहाड़ जो है आप लोग देख सकते हैं पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है, ये पहाड़ और बादल जो है एक में टच हो गया है और हमेशा ये रात में और बारिश जो बरकता है काफ़ी नुकसान भी होता है यहाँ पर क्योंकि रोड जो है धंस जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आप लोग यही सामने देख सकते हैं कितना ये भसका हुआ है क्योंकि रोडें जाम हो चुका है क्योंकि इसमें गाड़ी नहीं आ सकता है। तो काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं काफ़ी दूर आया हूँ ये सीन दिखाने के लिए आप लोगों के लिए, तो प्लीज़।